स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देवप्रयाग भूमि है श्री राम की, जहां भारत का सबसे पवित्र संगम है। हिमालय से निकलने वाली अमृत धारा, जिसके मिलन से जन्म होता है माँ गंगा का। देवप्रयाग को देवतुल्य भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भूमि है तपस्या की, ये भूमि है दर्पण की, ये भूमि है त्रिवेणी की, ये भूमि है मोक्ष की। देवप्रयाग भूमि है श्रवण कुमार के बलिदान की, यह भूमि है सबसे बड़े संगम की, यह भूमि है रघुनाथ की। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालु के दिल एवं दिमाग को शांति प्रदान करता है। जो पर्यटक यहाँ आना चाहता है, उनको बता दें कि यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ उतरने के पश्चात आप बस एवं टैक्सी कार के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भगवान श्री राम जी ने देवप्रयाग में तपस्या की थी। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर देवप्रयाग संगम पर तप किया था। देवप्रयाग दो नदियों के संगम पर बसा है। पहली नदी है भागीरथी, जो कि गोमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए देवप्रयाग आती है, एवं दूसरी नदी है अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ धाम से आती है। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड के सबसे बड़े प्रयागों में से एक है, यहाँ श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। यहाँ पहाड़ की तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह दृश्य बेहद ही मनोरमी होता है। अलकनंदा के पानी का रंग नीला तथा भागीरथी का रंग हल्का हरे रंग का होता है। देवप्रयाग भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू। ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो नदी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये नदी है भागीरथी, जो कि गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर पहले गोमुख से निकलकर यहाँ तक पहुँचती है। बताते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मदेव ने 10,500 साल तक तपस्या की। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड राज्य के 5 प्रयागों में से एक है, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, जिस पर देवप्रयाग शहर बसा हुआ है। देवप्रयाग के बारे में कई ऐतिहासिक और पौराणिक बातें भी प्रचलित हैं, जैसे कि देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए राजी किया था, तब 35 करोड़ देवी देवताओं भी गंगा के साथ स्वर्ग में उतरे थे। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है भगवान रघुनाथ जी का मंदिर, जो कि 10वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था।
मंदिर में गर्भगृह में श्याम पाषाण से बनी 6 फुट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति भी है। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने इसी जगह पर तपस्या की थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।